नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे देश में हर साल हजारों लाखों बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं। हमें जानकारी नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हमें जानकारी हो तो हम ऐसे बच्चों को पैदा होने से रोक सकते हैं। छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन बहुत महत्व की जानकारी है। जब ये जानकारी हर माँ बाप को होगी तो उनके परिवार में जो बच्चा होने वाला है वो अवश्य ही स्वस्थ जन्म लेने वाला है। क्यों पैदा होते हैं मंद बुद्धि बच्चे? अगर मंद बुद्धि बच्चे हैं तो सबसे पहले उनका एक टेस्ट कराया जाता है जिसे IQ टेस्ट बोलते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये किस स्तर तक मंद बुद्धि बच्चा है। जैसा हम सभी जानते हैं, बच्चे का जन्म 9वें महीने में ही होना चाहिए। अगर किसी कारणवश बच्चे का जन्म 9 महीने से कम में हो जाता है, मान लीजिए 7 महीने में, 8 महीने में हो जाता है, तो उसे कोई ना कोई दिक्कत अवश्य रहती है। जैसे मौसम चेंज होगा, वो जल्दी बीमार हो सकते हैं, उसकी मेमोरी में दिक्कत हो सकती है, उसको चलने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि फिजिकली या मेंटली कुछ ना कुछ दिक्कत उसको हो सकती है, या अगर फिजिकली मेंटली ठीक है तो मौसम चेंज होने पे उसे रोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। अगर 9 मंथ के बाद बच्चा जन्म लेता है तो वो हेल्दी होगा, वो स्वस्थ होगा। या जन्म के बाद बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने के कारण बच्चा मंदबुद्धि या अंधा हो सकता है। मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के समय उसे कोई समस्या हुई, जैसे जॉन्डिस एक आम समस्या है, या वीक ज्यादा है, उसको ब्रीदिंग में कोई इशू हो रहा है, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है और वहां पर ऑक्सीजन होती है। अगर किसी कारणवश ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर ज्यादा छोड़ दी जाए तो उस कंडीशन में भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, या उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ऐसा देखा गया है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को हाई बीपी की समस्या रहती है, या प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हाइपोथायराइड है, अगर मदर को प्रेगनेंसी में हाई बीपी रहा तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, या मदर को हाइपोथायराइड की दिक्कत रही तो बच्चे को जन्म से हाइपोथायराइड हो सकता है, जिसके कारण से बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, ऐसा बहुत देखा जाता है। मासिक धर्म में गड़बड़ होना, जैसा सभी जानते हैं कि महिलाओं में आने वाला ये एक क्रम है, हर महिला को 28 से 30 दिन के अंदर मासिक धर्म आता है, जिसे पीरियड या मेंसेस के नाम से हम जानते हैं। अगर ये महिला में इरेगुलर रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले ये इरेगुलर रहता है, मान लीजिए किसी को 15 दिन में हो जाता है या किसी को 40 दिन में होता है, कुछ कारणवश ऐसा होता है, तो महिलाओं को सबसे पहले कंसीव करने में दिक्कत होती है, और अगर कंसीव कर लिया तो बच्चे में भी कोई दिक्कत हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चा मंदबुद्धि होगा, हो सकता है, यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है। प्रीमैच्योर बच्चे, यानी जन्म उनका जो होगा वो समय से पहले हो जाना, प्रीमैच्योर बोलते हैं उसको। जैसे मैंने बताया कि बच्चे का जन्म 9वें महीने के बाद ही हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये 7 महीने में 7.5 महीने में जन्म ले लेते हैं तो इसको प्रीमैच्योर कहते हैं। या बच्चे का वजन कम है उसको भी हम प्रीमैच्योर श्रेणी में काउंट करते हैं। जैसे लगभग 2.5 किलो के आसपास, अप्रोक्स अगर हम बात करें 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में अगर बच्चे का वेट है तो उसको हम हेल्दी चाइल्ड बोलते हैं। लेकिन कुछ कारणवश देखा जाता है कि 1 किलो 400 ग्राम रह गया, यानी कि अंडर वेट हो गया, तो इस डिलीवरी को हम प्रीमैच्योर डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर मदर को हाइपोथायराइड है प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे को भी जन्म से हाइपोथायराइड हो सकता है, और उसके कारण से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा ज्यादा स्थूल शरीर का हो सकता है, यानी कि उसको जन्म से मोटापा हो सकता है, उसको कमजोरी थकान हो सकती है, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इंजरी हो जाना,
मान लीजिए प्रेगनेंसी के समय मदर को कोई इंजरी हो जाती है या बच्चा मां के गर्भ में है, मां गिर गई, कोई चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गया, तो इस कंडीशन के कारण से भी बच्चा मंद बुद्धि जन्म लेता है, ऐसा निरंतर देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जन्म के समय बच्चे का ना रोना। आपने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको रोना ही चाहिए, और अगर नहीं रोता तो उसको उल्टा ऐसे पैरों से पकड़ते हैं और उसके बम पे ऐसे धीरे धीरे से मारते हैं, यानी कि उसको रुलाने का प्रयास करते हैं। जब बच्चा रोता है तो उसके लंग्स एक्टिवेट होते हैं, उसके ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है, उसके बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है। लेकिन कुछ कारणवश जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई वहां बहुत डिलीवरियां होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर, तो जल्दबाजी के कारण से उसके रोने से पहले उसकी नाड़ू काट दी गई, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो जल्दी से काट दी गई, जिससे बच्चे के ब्रेन के सेल्स को या बॉडी के अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंची और बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है। इसलिए बच्चे का जन्म के समय रोना बहुत ही आवश्यक है। विटामिन की कमी, नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो बच्चा मंद बुद्धि जन्म ले सकता है। मिनरल्स की कमी होना, बॉडी के बहुत सारे केमिकल्स की कमी, बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनका संतुलन रहना बहुत जरूरी है, जब इनमें असमानता आ जाती है, इनमें इनबैलेंस हो जाता है तो बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है। इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अल्कलाइन फॉस्फेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, इन सब की आवश्यकता होती है। जब ये प्रॉपर मात्रा में होते हैं तो एक हेल्दी बच्चा जन्म लेता है, जब इनमें असमानता हो जाती है, इनमें कमी आ जाती है तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है और एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि बच्चा मंद बुद्धि हो गया। ऑपरेशन के समय, मान लीजिए कोई बच्चा सर्जरी से होता है, और आज एक तरीका होता है जिसे फोर्सेप्स बेबी बोलते हैं, एक सन्नासी के तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है, उससे बच्चे को निकाला जाता है। बच्चे का सिर बहुत कॉमन होता है, आपने देखा होगा, अगर वो सन्नासी का वो उस पार्ट्स का यानी कि इंस्ट्रूमेंट का पार्ट कोई बच्चे के ब्रेन में लग जाए तो उससे इंजरी हो जाती है और उसके कारण से भी बच्चा मंद बुद्धि होता है, ऐसा देखा जाता है। बच्चे का जो नाड़ू है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ध्यान रखें कि वो रोने के बाद ही काटा जाए, रोने से पहले ना काटा जाए, इसका हर माँ बाप को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चा रोए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे उनको डॉक्टर से निवेदन करना पड़े, क्योंकि पता चल जाता है कि बच्चा रोया नहीं रोया, तो इस बात का हर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। शरीर का 20% रक्त ब्रेन के पोषण के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए बच्चे का रोना बहुत जरूरी है, जब ही उसके सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो ये बहुत सारी जानकारियां आपको होनी ही चाहिए, और जब आपको इन सब चीजों की जानकारी होगी तो आपके परिवार में एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले सकता है। और इसी जानकारी के द्वारा हमारे देश में जो हर साल हजारों लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो सभी स्वस्थ होंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई मानसिक शारीरिक परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जानकारी ही एकमात्र उपाय है, जानकारी ही एकमात्र बचाव है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।